रोनी मैं रेनी फूडी रोनी में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा कि हम आज क्या बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हवा चल रही है इसलिए हम चिल्ला के बात करेंगे। मैं आपको बोल रही थी ये मेरी दी है और इनका नाम रोली है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि इसको जब ये छोटी थी इसको ब्रेन ट्यूमर हुआ था? नहीं ना, लेकिन अभी आप जानते हैं। अब तो ये ठीक हो गई है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये हॉस्पिटल जाती है और तभी वीडियो मुझे अकेले ही बनाना पड़ता है। कारण ये तो मोबाइल उतनी नहीं देखती, बट जब से ईशक मुंडा ने चैनल डाला तब से ये उनका चैनल बहुत बार देखने लगी। ये बात तो सही है, इसलिए मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं तुम उसे जानते हो या नहीं जानते हो। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ जुड़े रहे। आगे मैं बताती हूँ, जब ये देखती थी मुझे भी अच्छा लगा देख के वो चैनल, तो मैं भी उसके साथ देखती थी। ये देखते देखते हमें ऐसा लगा कि हम एक चैनल खोल लें। ये थी कि हम क्या बनाएं। बचपन से ही खाना बनाने का बहुत ही शौक था, इसलिए ये हर टाइम ये इसीलिए ही घर वालों को कुछ ना कुछ बना के खिलाती थी और खुद भी खाती थी। इसीलिए हमने सोचा कि हम ये कुकिंग और ईटिंग का वीडियो स्टार्ट करें, है ना? हाँ, पहले इसका अकेले का था, इसमें मैंने भी ज्वाइन किया। ये चैनल हम दोनों का है, फूडी रोनी की। अब हम बात करेंगे ईशक मुंडा के बारे में। अब ईशक मुंडा तो कौन है आप लोग जानते ही होंगे, या फिर मैं कहूँ आप उनके बारे में? चलो कह ही देती हूँ थोड़ा सा। संबलपुर के एक ब्लॉगर हैं जो अपनी डेली लाइफ यूट्यूब पे शेयर करते हैं, अपनी रियलिटी दिखाते हैं, ना ही कोई फेक चीज़ें और ना ही कोई दिखावा करते हैं, और उनकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जैसे हवा चल रही है मुझे एक गाना याद आ रहा है, का तो नहीं पता पर वो ऐसा कुछ था शायद, चली जाए से हवाई सनन सनन सनन, ऐसा कुछ था शायद, मुझे पता नहीं था पर मैंने गा लिया। ओके, बैक टू द टॉपिक। मैं आज सुबह तेरी एक वीडियो बनाई थी। हाँ, कौन सा वाला? तू भी देख ले और आप भी देख लो। हम ईशक मुंडा को कैसे जानते हैं? इतनी देर आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू। और अभी मैं बताऊंगी हम ईशक मुंडा को कैसे जानते हैं या फिर नहीं जानते, तो अभी आपको आपका सबर का फल मिलेगा और हम बताएंगे। तो बात यह है कि हम दोनों रिलेटिव्स नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम उनके ही वीडियो देख के इंस्पायर हुए हैं, तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपसे उन्हें देखा जाए तो टीचर, हमारे टीचर या फिर गुरु जो भी कह सकते हो, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम उनको क्या बोलते हैं, हमारे क्या लगते हैं वो। और आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।